हर दिन लहर होता है। मैं कलाकार हूँ और कलाकार के लिए कोई लहर की जरूरत नहीं है, उसकी जनता ही उसकी लहर। पवन सिंह के बारे में कुछ कहिएगा। पवन सिंह जी अकेले ही चुनाव में चले गए हैं, बीजेपी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। अकेला कहाँ है वो, पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और हमारे क्षेत्र के कलाकार है, बिहार की शेर है वो और बिहार के राजा हैं और वो जीतेंगे, हमारी विश्वास है। क्योंकि तो जिसके साथ जनता होती है उसी के पास पूरी साम्राज्य होती है। खेसारी जी का कैसा समर्थन है, खेसारी जी का कैसा समर्थन है पवन जी को? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समर्थन जहाँ तक कि जहाँ कलाकारी की बात आती है और वो आदमी कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत बड़ा किया है, तो हमेशा उनके साथ हमारी संवेदना भी रहेगी, हमारी सहयोग भी रहेगा, हमारा हमेशा सम्मान भी उनके लिए रहेगा और सहयोग हर चीज़ रहेगा। बीजेपी ने उन्हें नकार दिया, पार्टी से निकाल दिया, इस पर कुछ कहिएगा? एक पुराने वर्कर को काफ़ी समय से वो जुड़े हुए थे बीजेपी से। एक कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता और किसी पार्टी के भरोसे कमज़ोर लोग आते हैं। अरे बिहार का शेर आदमी है वो, अकेला ही राजा। हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ पवन जी के लिए। पवन जी के लिए जा रहा है, रोड शो होगा, हेलीकॉप्टर शो होगा, दुनिया का जो भी शो होगा सारा हो जाएगा। भोजपुरी भाषा कभी बटा नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये चुनाव के माहौल में कुछ लोग इसको बांट दे अलग विषय है, बट भाषा कभी बटता नहीं है, बोलने वाले हम ही हैं, आप ही हैं। मगर मनोज तिवारी ने हरुआ सभी लोग वहाँ पे मनोज तिवारी को अकेले छोड़कर रह गए और पवन सिंह जी को अकेले छोड़ दिया। अरे नहीं, पवन भैया अकेला कहाँ है, उनके पास पूरा साम्राज्य है, आज बिहार की जनता है, वो आदमी अकेला नहीं है और वो अकेला ही काफी है। अपनी भाषा के लिए इतना कुछ काम उन्होंने किया है। देखिए नेता में और बेटा में बड़ा फर्क होता है, पवन सिंह बिहार का बेटा है, कोई नेता बने अलग विषय है। बिल्कुल जीते ना, हम तो प्रधानमंत्री और अमित शाह भी जा रहे हैं सभा करने। देखिए हमारे लिए सम्मानित है, सम्मानित है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम अपने हिसाब से जीवन। भारी पड़ेंगे पवन सिंह जी? देखिए कौन भारी पड़ेगा कौन कमजोर पड़ेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कुछ पवन सिंह को जीतना है ये मैं जानता हूँ। जनसभा को संबोधित कर रहे हो और कह रहे हैं कि बिहार की बिल्कुल देखिए बदलना चाहिए बाबू, बिहार की जनता को तय करना है। हम तो कलाकार है, हम तो संगीत के माध्यम से बातें कर सकते हैं और बिहार को बदलना है नहीं, ये तो नेताओं का काम है। मैं तो बस संगीत में बदल सकता हूँ, संगीत में अपनी चीज़ों को बड़ा, मेरी एक रंदे बसंती सिनेमा आ रही है जो कि बहुत बेहतर तरीके से, तो मैं जहाँ हूँ वहीं कोशिश करता हूँ। तेजस्वी का बदलाव का जो माहौल है वो काम आएगा बिहार में, कुछ बदलाव दिखेगा? बिल्कुल, लोगों को अगर लगता है कि उन्होंने बदला है तो बदलना चाहिए। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या खेसारी लाल भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे? मैं अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ रहा हूँ अपनी भाषा के लिए, काहे के हमको फंसा रहे हैं आप लोग इधर। सब लोग इधर ही आ जाएंगे तो भाई अपने भोजपुरी भाषा का भी तो कुछ गरिमा बचना चाहिए कि नहीं, तो मैं अपने भाषा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।